हेलो। और हर कोस में मुझे लगता है कि एक एक दुकान है छोटी छोटी। कल जी धोखा लेके खड़े, अभी हम चलते हैं यहाँ से। हेलो निहाओ। यहाँ पे आलू मिल रहा है भाई, सेका हुआ आलू। तो एक आलू। टिकट लेने के बाद कंफ्यूजन हो गया कि अब जाएं तो किधर जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस टिकट पे तो कोई नाम लिखा नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं चाइना में हूँ और चाइना और वियतनाम की बॉर्डर के पास में हूँ। बॉर्डर यहाँ से कोई 100 मीटर दूर है और ये मेरा पहला होटल है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ और ये मेरे होटल की गैलरी है। ठीक है, यहाँ से तो ये शहर का व्यू दिख रहा है। अब मैं मेरे होटल का एक व्यू दिखा देता हूँ। यात्रा शुरू करने से पहले मैं हमारा आपको होटल ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि होटल में मुझे क्या मिला। ये एक 650 रुपये में एक 2 बेड वाला कमरा, फुली AC, साथ में काफ़ी सारा अटर पटर भी दिया है उन्होंने। उन्होंने दिया है ब्रश, साथ में पेस्ट भी है, साथ में कुछ शैम्पू वगैरह भी दिए और साथ में ये भी दिया। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही देख लीजिए ये क्या चीज़ है। बाकी तो भाई एक बाथरूम मिल गया, ये वाला काफ़ी बड़ा है, एक कमरे जितना बड़ा, और रूम ठीक ठाक था। मच्छर यहाँ पे भी है, चाइना हुआ तो क्या हुआ, मच्छर भी यहाँ पे हैं, भिखारी भी यहाँ पे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अपने को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब रात को यहाँ पे सो के बाहर देख रहा था, रात को यहाँ पे भी लड़के बाइक लेके घूमते हल्ला मचाते हैं। रात को यहाँ पे सड़कों पे जो डस्टबिन होता है उनमें से कचरा बीनने वाली आंटियाँ भी आती हैं और यहाँ पे भी पेट्रोल बाइक में भी ख़त्म होता है और घिसीट के ले जाते हैं, ये भी यहाँ पे होता है। तो बाकी तो देखो ATM से पैसा भी यहाँ पे नहीं निकल रहा है। तो मैंने अलीपे डाउनलोड किया है APK फाइल और उसी से मेरा गुजारा हो रहा है। अब यहाँ से चलते हैं, एक ट्रेन जर्नी करते हैं, बहुत ही शानदार। मुझे नहीं पता वो एक्सप्रेस ट्रेन है या लोकल ट्रेन है, लेकिन 1000 रुपये की टिकट मिल रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन पे। यहाँ से जाने के लिए मैं लूँगा टैक्सी, वो भी आपको दिखा दूंगा कि टैक्सी का क्या सीन है। तो चलते हैं। आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और बाकी सारे जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, उस सब का लिंक नीचे दे रखा है, तो वहाँ पे जाकर के भी आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन वगैरह मिले। लेट्स गो, बैकपैक रेडी, हम निकलते हैं यहाँ से। इन्जॉय आज का दूसरा दिन चाइना में। होटल के पीछे की तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें आपको दिखेगी और पीछे एक कोई 40-50 मंजिला इमारत बन रही वो भी दिखेगी। तो भाई रात को यहीं रुका था। ये सिटी का नाम हैकाऊ है या मुझे नहीं पता क्या है, और शायद हैकाऊ है। तो अभी मैं हैकाऊ रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैंने टैक्सी लिया है क्योंकि थोड़ा जल्दी है, ट्रेन निकल जाएगी इसलिए। मार्केट बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे काफ़ी कलर देखने को मिलता है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। और टैक्सी यहाँ पे ऐसा कोई बुक नहीं करना, बस हाथ दिया और टैक्सी में बैठ जाओ, मीटर से टैक्सी चलती है, तो ऐसा ही कुछ सीन है। चलते हैं, ट्रेन मिल जाए तो एक ट्रेन जर्नी दिखाते हैं आपको, बहुत खूबसूरत। ये जो टैक्सी है ये शुरुआत 7 युआन से होती है, मतलब करीबन 77 रुपये के आसपास से ही शुरू होती है। उसके बाद जितना आप चलाओगे उतनी ज़्यादा चलती जाएगी। देखो भाई कितनी खूबसूरत स्ट्रीट है, आप देखिए। ये चाइना मेरा पहला ही दिन है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, देखो आगे बैग उठाए हुए, घर वाले उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। दीवारों पे कुछ चाइनीज में लिखा है, शायद अंदर कुछ होगा, तो ऐसा कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रीट के ऊपर ये पेड़ लगाए गए हैं, पूरा स्ट्रीट इसी तरह सजाया गया है। ये देखो ये बाइकर है जो इलेक्ट्रिक बाइक है, वो तेरी। तो ये रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। भाई देखो यार दोनों तरफ लाइटें देखो यार, किस तरह से ये रात को जगमगाती होगी। एक छोटा सा शहर है फिर भी देखो खूबसूरती का तो मतलब आलम ही कुछ और है यार। और ये सामने जो देख रहे हैं वो रेलवे स्टेशन है, पहाड़ को काट के रेलवे स्टेशन बना दिया गया है। और यहाँ तक आने के लिए मुझे लगता है 14 युआन देने पड़ेंगे, तो 14 युआन मतलब कोई 14 × 11 कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने होता है। भाई चाइना का रेलवे स्टेशन आ गया हूँ, टैक्सी में 14.5 युआन दिया, पेमेंट अली पे से कर दिया, बहुत इजी हो गया। और ये देखो स्टेशन भाई, आला दर्जे का स्टेशन है, सारी टैक्सी यहाँ पे आके छोड़ती है। अब स्टेशन के अंदर चल के टिकट लेते हैं। तो भाई अभी मैं रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए आया हूँ, यहाँ पे टिकट का काउंटर है और इस तरफ अंदर जाना है।
तो अभी यहाँ से टिकट लेते हैं। देखो ट्रेन है भाई साहब, टिकट मिल गया। क्या इजी प्रोसेस है भाई, क्या शानदार पेमेंट हो जाता है जल्दी से। अली पे जो है सामने करते ही ऑटोमेटिक पेमेंट अपने अकाउंट से डेबिट हो जाता है, और जितनी भी बार मैंने पेमेंट किया मुझे कम से कम 10% डिस्काउंट मिला है। 91 यूआन मतलब 85 लिया, 6 यूआन कम लिया, मतलब करीबन 60-70 रुपये कम लिया। जब मैं टैक्सी में आया तब भी मुझे कम लिया। तो अली पे का ये फ़ायदा है, टिकट मिल गई है और आपका भाई चाइना में घूम रहा है यार। मतलब क्या शानदार तरीके से, मुझे कैसे बखान करूँ वही समझ में नहीं आ रहा है। अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का सीन। टूरिस्ट और अभी इन्होंने मेरे फोटो लिए जो मैं इंस्टाग्राम पे लगा रहा हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। और इनको जैसे इंडू बोला तो काफ़ी खुश हुआ। इंडू क्या बात है भाई। ओके शीशी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे सारा सिक्योरिटी निज़ाम है, सिक्योरिटी चेक हो गया सारा एकदम एयरपोर्ट के जैसा ही। और जो मेरे पास पानी की बोतल थी ना, वो भी बोला कि भाई तुम पी के दिखाओ कि क्या है अंदर। और ये देखो भाई सीट देखो, ऑटोमेटिक वाली सीट है, पैसा देके बैठना है या मुझे नहीं पता। ये वाली चेयर तो अपने जैसी ही दिख रही है नॉर्मल, लेकिन ये वाली कुछ स्पेशल है। अभी तक मैंने आपको स्टेशन का नाम नहीं बताया, इस स्टेशन का नाम है हेखाऊ नॉर्थ। मैं यहाँ पे नाम भी लिख दूंगा, अगर जब भी आप वियतनाम से यहाँ पे आते हैं ना, तो ये बॉर्डर के पास ही 3 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से आप कनमिंग की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से सिर्फ कनमिंग की तरफ ट्रेन जाती है, तो इसका नाम है हेखाऊ नॉर्थ, जो सिटी से 3 किलोमीटर है। और चाइनीज़ भाषा में आप स्क्रीनशॉट करके आप टैक्सी वाले को दिखाओ, आपको यहाँ पे लाके छोड़ देगा। तो अभी किसी ट्रेन का जो है टाइम हो गया है शायद, इसीलिए सब लोग खड़े हो गए। तो मेरी वाली ट्रेन है 560, तो मैं उसी में जाता हूँ। जो ट्रेन आई थी उसी का ही नंबर बदल के अब 560 कर दिया गया है। और ये ग्रीन कलर की एक सेमी बुलेट ट्रेन कह सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, अभी हम भी चलते हैं इसके अंदर। हमारा कोच कौन सा है इस पर लिखा है मुझे नहीं पता क्या लिखा है। तेरह बज के बीस मिनट पे ही अंदर एंट्री चेक इन की होगी, तो तब तक यहाँ पे खड़ा ही रहना पड़ेगा। सब लोग खड़े हैं काफ़ी देर से, 5 मिनट से, और ये लोग गेट नहीं खोल रहे हैं। टाइम से टाइम ही काम चलता है यहाँ पे, 1 मिनट भी देरी से काम नहीं चलता। तो मुझे उस लाइन में नहीं जाने को मिला, मुझे बोला कि तुम उधर से आओ, ये भाई जो चेक कर रहे हो वहाँ से। तो मैं इस लाइन में जाता हूँ, शायद मेरा सिक्योरिटी जो चेक इन यहाँ से होगा। लो भाई साहब अंदर आ चुके हैं, ये देखो क्या गजब की ट्रेन है भाई। और इसमें भी आवाज़ तो आ रही है एसी वैसी की, लेकिन अभी चलते हैं। हमारी बोगी नंबर कौन सा है, ट्रेन नंबर ये है C560 हेखाऊ बे टू कनमिंग। चलते हैं आपको दिखाते हैं, पूरा पैक है यार, सिर्फ कांच से जो विंडो है वही है, ज़्यादातर पैक ही दिखेगा आपको। हेलो लास्ट थैंक यू सीसी। और हर कोच में मुझे लगता है कि एक एक दुकान है छोटी छोटी, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं ट्रेन दिखाते हैं, अभी 20 मिनट बाकी, एक बार फ़ोटो लेते हैं यार आगे जाके ट्रेन कैसी दिखती है यार। काफ़ी खुशी हो रही है ट्रेन और चाइना, वाह। अच्छा मेरा जो है 01 है, लास्ट वाला ही है, तो भाई मज़ा आ गया, ये 2 नंबर हो गया, इसके बाद एक और। वाह क्या साफ़ सफाई है भाई, गजब। प्लेटफॉर्म है वो टाइल्स तो देख लो भाई, अपने जैसे कुछ पत्थर है, लेकिन ये छोटे छोटे पत्थर हैं, घिसे हुए हैं काफ़ी, तो देखते हैं यही है शायद। ये अंकल जी धोखा लेके खड़े इससे। ओके चलते हैं आगे से, मुझे फ़ोटो लेना ना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये आगे देखो भाई, ऊपर तो वैसा ही है जैसा अपने इंडिया में जो ऊपर होता है ना, वैसा ही इंडिया में इंजन के ऊपर वैसा ही कुछ सिस्टम है, लेकिन इंजन थोड़ा अलग है। और आगे से तो भी नहीं जा सकता फ़ोटो वोटो, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। हेलो निहाओ। ये ट्रेन अटेंडेंस है, थैंक यू सी सी बी 14B 14B है भाई, ये देखो ऐसा कुछ सीट दिखेगा। चलते हैं धीरे धीरे। हेलो
हेलो हाउ आर यू निहाओ नो निहाओ सीसी टू ओनली इंदु इंदु हेलो हाय हाय ध्यान ये देखो भाई इनके मजे 14 बी 14B यहाँ पे है भाई, ये हमारी सीट है। यहाँ पे एक भाई साहब हैं, तो पहले बैग रख देते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ये हमारी सीट हो गई, बैग वैग रख दिया। अब थोड़ा ट्रेन के अंदर घूम के दिखा लेते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड दिखेगी जब ट्रेन चलेगी ना, तो यहाँ से कितने स्पीड में चल रही है वो भी दिखाएंगे। ये कौन सी ट्रेन है, मुझे लगता है सेमी बुलेट ट्रेन हो सकती है शायद, परफेक्ट आइडिया नहीं है। और ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, यहाँ पे भी बैग रख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने वहाँ पे रख दिया। ये बेसिन जैसा कुछ है हाथ वाथ धोने का। और ये वापस दरवाज़ा आ गया। तो यहाँ पे शायद टॉयलेट है, ये देखो बढ़िया नीट एंड क्लीन। ये पीछे का कोच है, यहाँ पे कोई और भी फॉरेनर है। ये देखो दुकान है, ये लारी ठेला लेके इधर भी घूमेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ये भी फॉरेनर लग रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा बाहर, बाहर से व्यू दिखाते हैं। काका जी धोखा लेके खड़े हैं ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं आने ना दे। चाइनीज पुलिस यहाँ पे आ गई है, और पता नहीं क्यों मेरे से पासपोर्ट मांग रहे हैं। ओके थैंक यू सर, कैन टेक फोटो पिक्चर। अभी चाइनीज पुलिस ऑफिसर जो हमारी ट्रेन में ही है, उन्होंने, मैं बाहर था, मुझे बोला भाई आई एम फ्रॉम चाइनीज पुलिस, कैन यू गिव मी योर पासपोर्ट। फिर पासपोर्ट चेक किया और फिर हंसी खुशी मिले भी। मैंने बोला भाई तुम आ ही गए तो फोटो भी ले लो, अभी फ़ोटो भी ले लिया। और अभी हमारे ट्रेन में ही है वो भाई साहब, वहीं खड़े, ये देखो ठीक है। और पिस्टल वगैरह सारा कुछ सामान पास में था। और ये हमारा ट्रेन का जो है सीट है, अब ये कैसे आगे पीछे होगा अभी देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इंग्लिश में भी बोला जा रहा है, कुछ बताया गया कि हेलो आई एम फ्रॉम चाइनीज ट्रेन एंड ट्रेन का टाइम है वो थोड़ा लेट हो रहा है, ऐसा कुछ बोला गया। तो ठीक है, अभी एंजॉय करते हैं इस जर्नी को। ये शायद यूँ चलेगी ट्रेन मुझे लगता है रिटर्न, तो मैं उल्टा बैठा हुआ हूँ, शायद दिखेगा उल्टा ही, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं क्या सीन बनता है। कोई सीट खाली होगी तो उसमें जाके बैठ जाएंगे। तो फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पे साथ में मालगाड़ी भी पड़ी है। मालगाड़ी बिल्कुल छोटी खटारा जैसी है, अच्छी नहीं है इतनी क्वालिटी जितनी अपने इंडिया में है, वैसी तो नहीं दिख रही मुझे। छोटे छोटे वैगन लग रहे हैं और छोटे छोटे व्हील लग रहे हैं, फिर भी ठीक है। तो ट्रेन का निजाम भले ही अच्छा दिखा हो आपको, जो पैसेंजर ट्रेन अच्छी लग रही है, लेकिन बाकी तो चलो भाई। पहाड़ है आसपास, काफ़ी खूबसूरत माउंटेन है, और पहाड़ों के ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन जाती है। यहाँ पे कुछ छोटे मोटे घर भी दिख रहे हैं, सारा सिस्टम है पहाड़ काट के बना। ये देखो टनल भी आ गई है, टनल के अंदर चले गए इतनी देर में, शुरुआत में। जब से ट्रेन निकली है ना, तब से कंटिन्यू टनल में से चल रही है। एक के टनल निकली दूसरी में, ज़्यादातर भाग टनल में ही है, और 90 की स्पीड से चल रही है अभी। तो मुझे लगता है कि सेमी बुलेट ट्रेन है, और कंटिन्यू 90 की स्पीड, और वो भी टनल में। पहाड़ देखो आसपास बहुत ही खूबसूरत है, बादलों से ढके हुए पहाड़ एकदम हरे भरे ग्रीन है ना। अभी स्पीड 59 की हो गई है, तो अभी जस्ट ट्रेन रवाना हुई, अभी साफ़ सफाई करने वाले भी आ गए, सिक्योरिटी वाले सारे इधर उधर घूम रहे, सामान बेचने वाले सबको, जैसे एयर होस्टेस वाला सिस्टम, और जो कचरा साफ करने वाला ना उसके भी कान में वो वॉकी टॉकी वाला सिस्टम लगा हुआ है, मतलब क्या कमाल है यार। ये देखो भाई पहाड़ है, इस पर केले की खेती कर रखी है, ये खेत है ऊपर। तो भाई यहाँ से मैं ले रहा हूँ ये एक मैंगो जूस, थैंक यू सीसी। तो ये भाई साहब बेचने वाले हैं, और पानी तो मेरे पास है, पिंगल भी है। हाउ मच दिस वन,
15 और भाई एनर्जी वेनर्जी बनाए रखने के लिए ये जूस वगैरह तो ज़रूरी है भाई। ये मैंगो बनाए ऊपर दिख रहे हैं आपको, बाकी अंदर क्या है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन किसान है एक फावड़ा लेके मैंगो की टोकरी और ये गाड़ी और इसके बाद हमें मिल गया। तो 8 युआन का पड़ा करीबन 88 रुपये का। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया है, मैंगो की स्लाइस जो होती है ना उसका ही टेस्ट है पूरा। देखो भाई चाइना के घर गांव खेत नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत है एक पहाड़ों में बसा हुआ शहर दूर तक फैला हुआ। वाओ छोटे छोटे घर, और ये ट्रेन पहाड़ों से ऊपर चलती है और बड़े बड़े 2-4 स्टेशन पे रुकती है। देखो बात की जाए तो ये एक तरह से वंदे भारत ट्रेन कह सकते हैं, 137 की टॉप स्पीड थी मैंने देखी। और यहाँ पे भी घर सारे ईंटों से ही बनाते हैं और ऊपर से पत्रे वगैरह देके बनाते हैं ताकि यहाँ पे शायद विंटर में बर्फबारी होती होगी, पता नहीं। सामने देखो कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, ये एक सिटी है जिसका नाम है मैंगजी। और जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना सारी अनार की खेती है, और अनार का फ्रूट आते ही उसके ऊपर देखो वो जो एक होता है ना वो पहना दिया गया है। जिस हिसाब से वहाँ पे लिफ्ट लगी ना मुझे लगता है कि स्टेशन है वो ज़मीन से ऊपर ही बना हुआ है पूरा। ये देखो अनार भर भर के लेके आए हैं भाई साहब खाने के लिए ये सब लोग। ओ भाई साहब क्या शानदार खेत है, छोटे 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 यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ सिटी है, मकान भी दिख रहे हैं, सामने एक ब्रिज भी दिख रहा होगा आपको, और ये छोटे छोटे घर। देखो यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक ट्रेन पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल से भरी हुई है, ये देख सकते हैं गाड़ियाँ दिखेगी आपको। और इस एरिया में पूरा मक्की का खेती है, मक्की के भुट्टे तो सब ले गए हैं लेकिन मक्की होती बहुत है यहाँ पे। ऊपर लगता है छोटा सा एक डैम है और वो एक पहाड़ दिख रहा होगा आपको, क्या खूबसूरत घर है भाई देखते ही बनते हैं। अब इस स्टेशन पे तो अलग ही सिस्टम है, देखो ये जो ऊपर वायर दिख रहे हैं ना ये नीचे थे पहले, जैसे ही ट्रेन आके रुकी फिर उसके बाद ऊपर हो गए। और वहाँ से एक बुलेट ट्रेन जा रही है, देखो के अंदर 160 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है भाई नॉर्मल। ये इसको ईमियो बोल रहे हैं, जैसा कि स्पीकर में सुनाई दे रहा है ईमियो, लेकिन ये तो सेमी बुलेट ट्रेन ही कह सकते हैं, वंदे भारत जैसी कुछ है ना, 161 किलोमीटर। तो भाई कनमिंग रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं, इसी ट्रेन से हम आए, तो सारे लोग सब नीचे जा रहे हैं। अब मुझे किधर जाना है मुझे भी नहीं पता, तो मेट्रो वेट्रो चलती है क्या? हाँ सामने बुलेट ट्रेन आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। वाह कितनी भीड़ है भाई, कनमिंग रेलवे स्टेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेनें सब ऊपर है और बाकी सब निजाम नीचे है, तो अब मुझे नहीं पता कि मुझे मेट्रो कहाँ से लेनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ लेकिन मेट्रो में जाएँ कहाँ वो भी समझ नहीं आ रहा है। तो चलते हैं देखते हैं क्या सीन बनता है। तो यहाँ से सामने बोर्ड लगा सबवे, तो उसी तरफ जाना है मुझे, बाहर निकलना फिर इधर जाना है। बाहर जाने के लिए यहाँ से स्कैन करना पड़ेगा और फिर जा सकते हैं। कितना बड़ा इसका अंदाज़ा लगाओ, देखो उधर जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी दूर तक पूरा स्टेशन फैला हुआ है और ट्रेनें ऊपर चलती है भाई, दिखता ही नहीं है कि नीचे कुछ ऐसा कुछ होगा, लेकिन वास्तव में बहुत ज़्यादा बड़ा भाई, इतना बड़ा मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये काउंटर भी लगे, मीटिंग पॉइंट यहाँ पे, सबवे किधर है भाई,
इधर देखो आपको रंगीन नज़ारे दिखते हैं, लेकिन सबवे किधर है भाई? यही सबवे। अब चलते हैं, सबवे का टिकट विकट कहाँ से लेते पूछते हैं। वाह, तो भाई टिकट ले लिया, 6 युआन की टिकट आया और टिकट कुछ ऐसी दिया। अब चलते हैं मेट्रो में। ओके सीसी, ये भाई भी मिल गए जो फ्रांस से हैं, और अभी इनको भी भाषा समझ नहीं आ रही है, और हम दोनों साथ में मिल गए। आगे चल के देखते हैं कहाँ जाते हैं। टिकट लेने के बाद कंफ्यूजन हो गया कि अब जाएँ तो किधर जाएँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस टिकट पे तो कोई नाम लिखा नहीं है, तो इधर मैप पे समझ लिया कि मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे हूँ, कनमिंग साउथ रेलवे, और मुझे जाना है यहाँ पंजीयन। तो मैं यहाँ से येलो लाइन पकड़ता हूँ और ये इसको क्रॉस करे यहाँ पे डेस्यूंग पे, तो फिर मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँगा। इसके लिए मैंने 6 युआन पे किया, करीबन 66 रुपये के आसपास, या 70 रुपये के आसपास मान लीजिए। अभी हम चलते हैं फोर के अंदर, येलो लाइन ये देखो, कलर भी येलो है, जैसी लाइन है वैसा ही कलर है। तो हम चलते हैं अंदर अंडरग्राउंड। हम इजीली कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आप रेलवे से निकले, बाहर आए। अब सबवे लिखा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी चाइनीज में भी है। तो सबवे मतलब वही ट्रेन हुआ, वहाँ से जाके आप टिकट ले लो। कहाँ पे जाना वो पहले थोड़ा सर्च कर लो, और उसके बाद जो आपके होटल वगैरह ना वहाँ आसपास उसके लिखा ही है। वो भाई ये आ गई, ये होगी चाइना की मेट्रो। और अब देखते हैं यहाँ पे, आपको दिखाते हैं ये स्टेशन पे लिखा आ रहा है सिंगापुर, इस हिसाब से चलेंगे हम। अभी पता नहीं किधर जा रहे हैं, तो राम भरोसे चलते हैं, बैग रख देते हैं नीचे। सो अभी भाई हम यहाँ से लाइन चेंज कर रहे हैं, लाइन 3 पे जा रहे हैं, तो वो ऊपर है, मेट्रो से उतर गए, ये कार्ड अभी भी वैलिड है। तो ये देख सकते हैं हम लाइन 3 की तरफ जा रहे हैं, और ये बाहर निकलने का है अपने को लाइन 3 पे जाके, और फिर अपना आगे का स्टेशन पकड़ना है। स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अब पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है, कैसे जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या सॉल्यूशन होता है। अभी यहाँ पे कुछ स्कूटर वाले खड़े, ये शायद टैक्सी है क्या है पता नहीं, देखते हैं कुछ पूछताछ करते हैं। तो उन स्कूटर वाले चाचा को मनाने की कोशिश की कि 1 किलोमीटर है तू चल जा, तो बोल रहा है पता नहीं क्या बोल रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोग निकल गए, और क्या करें, पैदल तो हमें जाने से कोई रोक नहीं सकता, चलते हैं पैदल। फर्स्ट टाइम किसी अनजान अंधेरी रातों में यहाँ पहुँचे हैं, तो देखते हैं कब हॉस्टल पहुँचते हैं। यहाँ पे देखो लारी ठेलों के चलने के लिए अलग रास्ता बना हुआ है, स्कूटर वगैरह के लिए देखो एक जाली बनी हुई है, ये रहा। तो भाई चलने जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये इधर मार्केट है, कुछ सामान मिल रहा है, हॉस्पिटल या चेयर कह सकते हैं, व्हील चेयर। और हम जा रहे हैं इस तरफ, काफ़ी ज़बरदस्त जगह है ये, देखो पूरा हॉस्पिटल से रिलेटेड सामान मिल रहा है यहाँ पे। अब हम चलते हैं इधर, और सामने कुछ ऐसा दिखता है यार, बढ़िया बढ़िया टैक्सी पड़ी हुई है, और यहाँ पे कुछ फ्रूट मिल रहे हैं, हम दुकान से नहीं लेते ठेली से लेते हैं। हेलो निहाओ, यहाँ पे आलू मिल रहा है भाई, सेका हुआ आलू। तो एक आलू, युआन युआन युआन, इस आलू से कुछ पेट भराई तो हो जाएगी। सुबह से भूखा हूँ, सिर्फ नाश्ता करके निकला था, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूटर हैं, और काफ़ी लोग एक्साइटेड है भाई, इंडू इंडू सुनते हैं। तो अब देखो इधर ही एड्रेस है या नहीं, वो ही पता नहीं है, मैं जा रहा हूँ गूगल मैप के सहारे। ओ भाई साहब क्या बात है, अचानक मैं देख रहा सामने तो यहीं हॉस्टल यहीं पे ही है, मैं सिर्फ लोकेशन के सहारे पे आया था, और ये चाइनीज़ ऐप से या गूगल के ऐप से ही आया था। पुश, ओ भाई साहब ये हॉस्टल है भाई, तो
भाई फाइनली हम कर्मिंग के हॉस्टल में पहुंच चुके हैं। सब कुछ इजीली हो गया, बस मेट्रो समझ आ गई और उसके बाद सब कुछ आसान होता गया। मेट्रो का सिर्फ 6 युआन दिया, मुझे लगता है कोई 30-40 किलोमीटर दूर लेके आई होगी मेट्रो, कम से कम आधा पौना घंटे से भी ज़्यादा लगा होगा। लेकिन हॉस्टल इजी मिल गया, सबसे बड़ी बात तो ये रही। और अब मैं हॉस्टल में आ गया हूँ। आज की जर्नी आपने देख ली होगी, ट्रेन जर्नी थी और काफ़ी लंबी चौड़ी, खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। और मैं जो बॉर्डर के पास रुका था, हेखाऊ टाउन, हेखाऊ हेखाऊ, वहाँ से यहाँ हेखाऊ है, वो उधर वियतनाम में लाओ कोई और इधर हेखाऊ, ये दोनों पास पास ही है। तो आप बॉर्डर क्रॉस करो तो हेखाऊ में भी रुक सकते हो 400-500 रुपये में, और वहाँ से मैं यहाँ पे आ गया। इसके बीच में भी काफ़ी सारे स्टेशन आते हैं, 4-5 स्टेशन, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, तो वहाँ पे भी अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी यहाँ पे कम है, हेखाऊ में तो ज़्यादा थी भाई। और ये देखो सामने रूम है, और रूम भी अच्छा खासा है, 600-500 रुपये में रूम है, और ब्रेकफास्ट तो है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबा, जय हिंद, वंदे मातरम।